डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। किले की आप तस्वीर देख रहे हैं सामने, इससे भले ही आपको अंदाजा ना हो रहा हो कि हम कहाँ हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश में जो 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें से एक विधानसभा सीट सांची पड़ती है और सांची के अंतर्गत आने वाला रायसेन शहर जो है, हम इस वक्त उसी में हैं और ये रायसेन का किला था जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। लेकिन इस किले से ही हमने शुरुआत क्यों की, इस चर्चा की, उसके पीछे की कहानी मैं आपको बता दूं कि दरअसल रायसेन के बारे में कहा जाता है ऊपर किला नीचे जिला, लेकिन रायसेन को कुछ नहीं मिला। लेकिन क्या ये जो बात रायसेन के लिए कही जाती है ये सही है, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं रायसेन बस स्टैंड पे। सांची विधानसभा क्षेत्र का ये रायसेन का बस अड्डा है, यहाँ से पासी में राजधानी भोपाल है और साथ ही में दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो विदिशा और उसके आगे सागर जैसे बड़े शहर पड़ते हैं। लेकिन रायसेन के बस स्टैंड पे हम ये चर्चा को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वही बेहतर तरीके से ज्यादा बता पाएंगे कि आखिरकार ये जो रायसेन के बारे में कहा जाता है इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है कि रायसेन का विकास नहीं हो पाया। इन्हीं लोगों को जानते हैं, भैया आप रायसेन के ही हो, यहीं के हो? जी रायसेन। ये बताइए कि ये जो कहा जाता है कि ऊपर किला नीचे जिला, रायसेन को कुछ नहीं मिला, ये सही है क्या? सर मैं क्या बताऊँ, इनसे पूछो और किसी से। आप भी तो यहीं रहते हो, और किसी से बताओ ना, बता क्या चीज़, इनसे पूछो। आप बताओ क्वेश्चन जी सर, कुछ कहा जाता है, क्या कमी आपको लगती है रायसेन में? सर रायसेन में रेलवे प्लेटफॉर्म ही नहीं है क्योंकि सर ये पहाड़ है, ऊपर किला है नीचे जिला है, ये बात सर सच है। इनको क्या मिला है? सर यहाँ पर बड़ा मार्केट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ सर विधायक होते हैं, चुनाव होते हैं, लेकिन सर सब जीतते हैं, सब कुछ होता है, वो सर ऊपर तक जाते हैं, जैसे कि सर विदेश मंत्री जो थी वो भी सर यहाँ से विधानसभा सीट से जीत के गई, लेकिन सर राशन को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ आदमी आता है चुनाव के लिए, वोट मांगेगा चला जाएगा। और भी लोगों से बात करेंगे इस मामले में। हाँ जी भैया, आप बताइए, अगर आपसे हम पूछें, जैसे इन्होंने कहा कि ऊपर किला नीचे जिला, रायसेन को कुछ नहीं मिला, आपको सहमत है इनसे? वो सही है, सही बात है, सही बात है ये। क्यों, आपको कहाँ लगा ऐसा और क्या लगा, मतलब यहाँ पे? वो तो जो बोला वो भैया ने वो सही बोला भाई, जो सही बात है कि ऊपर किला और नीचे जिला, भाई कुछ नहीं मिला। अच्छा, क्या चाहिए आपको रायसेन में? रायसेन में क्या है आपको, क्या चाहिए रेलवे, क्या सुविधा चाहिए रायसेन में? आप भोपाल गए हो कभी? गए हो सागर, विदिशा गए हो, वहाँ पे ऐसा क्या है जो आपको लगता है रायसेन में नहीं है? अरे वहाँ पे साहब क्या है, रेलवे लाइन है और रोड चौड़े हैं, यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ट्रैफिक थोड़ा बहुत आ जाए तो जाम लग जाता है जरा, वहीं कुछ नहीं है। जो सब व्यापार धंधा है यहाँ पे, व्यापार भी फैक्ट्रियाँ होना चाहिए वो भी नहीं है, बस जो मिल जाए तो सब कुछ है। उद्योग नहीं है यहाँ पे? नहीं है पूरे रायसेन इसमें, सांची क्षेत्र में कहीं नहीं है। हाँ वो मंडीदीप में है। ये जो किला है अगर हम देखें यहाँ पे तो ये तो बहुत पर्यटक ला सकता है, तो इस किले को इस हिसाब से आपको लगता है ब्रांडिंग हुई है रायसेन की, आपको लगता है कि लोग आते हैं इतनी बड़ी संख्या में? अभी जैसे कि हम देखते हैं राजस्थान के किलों के बारे में बहुत जानकारी होती है, इस किले के बारे में है क्या इतनी? नहीं, यहाँ ऐसा कुछ हो जाए तो आने लगे यहाँ पे, आते हैं मगर कम आते हैं। अच्छा, अभी और जगह जो आते हैं वैसे नहीं आते, अभी वैसी सुविधाएं हो जाए तो सब आने लगे। और आप भी रायसेन के ही हो भैया? जी रायसेन से ही हो। ये बताइए रायसेन में बहुत सब लोग कह रहे हैं कि अगर रेलवे लाइन आ जाए तो और फायदा हो, आपको क्या लगता है यहाँ से नजदीकी रेलवे स्टेशन कहाँ है? यहाँ से भोपाल या विदिशा है, भोपाल या विदिशा जी। तो रायसेन को लेकर के सर्वे तो हुआ है रेलवे लाइन का, अब तक हो क्यों नहीं पाया, आपको क्या लगता है अगर ये आ जाए रेलवे लाइन रायसेन में आ जाए तो यहाँ से कहाँ तक की कनेक्टिविटी बढ़िया हो जाएगी यहाँ के लोगों के लिए? यहाँ से लगभग आसपास के क्षेत्रों में सबसे पहली चीज़ तो विकास हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा लोगों को। दूसरी बात ये कि लगभग सारे जो बड़े शहर हैं उनसे छोटी छोटी जगहें जुड़ जाएंगी, तो आने जाने में जो सहूलियत है ना वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अभी क्या करना पड़ता है अगर कहीं बाहर जाना है तो, दिल्ली जाना हो, मुंबई जाना हो, नागपुर जाना हो? अभी अपन को पहले विदिशा जाना पड़ेगा या भोपाल जाना पड़ेगा, तो ये समस्या है। कितना समय लगता है यहाँ से? यहाँ से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है और भोपाल जाने में भी इतना ही टाइम लग जाता है। अच्छा क्या होता है फिर, यहाँ से अपन भोपाल जा रहे हैं या विदिशा जा रहे हैं तो अपन को वहाँ पे भी जाके वेट करना पड़ता है ना, एक टाइमिंग मिला के जाना पड़ता है। अब यहाँ लोकल से चालू हो जाएगा तो एक आदमी को एक बहुत सुविधा रहेगी कि इतने समय से इतने समय तक। भैया बाइक वाले आपके भी, आप भी यहीं के हो, अब आप रुकी गए हो तो हमने कहा चलो आपसे भी बात कर लें। ये बताइए जब हम बात करते हैं रायसेन की,
आप यहीं के रहने वाले हो ना जी। क्या समस्या आपको लगती है जो हर चुनाव में नेता वादा तो करके जाते हैं लेकिन बाद में पूरा नहीं करते? सर यहाँ तो इस बार कुछ उल्टा ही हो गया है। वो तो हो गया, वो तो सबको पता है, अब क्या होगा? वादे को पूरा करे जो नेता आगे बने, वो बस यही चाहते हैं। अच्छा, रेलवे लाइन का वादा है, पहले भी किया गया था? किया गया था लेकिन कभी पूरा नहीं हुआ, अभी भी किए जा रहे हैं, आगे भी पूरा नहीं होगा। हाँ जी बताइए, आप बताएं कि रायसेन को लेकर के जो बात कही जाती है ऊपर किला नीचे जिला, रायसेन को क्या मिला, आप बताओ क्या मिला? सर प्रभुराम चौधरी ने सब कुछ दिया है रायसेन में, 4 लाइन रोड पारित करी है और काफ़ी अच्छी अच्छा प्रत्याशी हैं प्रभुराम चौधरी जी, और मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनने ऊपर किला नीचे जिला जिन यो ये पंक्तियां थी, 4 पंक्तियां ऊपर किला नीचे जिला और रायसेन वासियों को कुछ ना मिला, उनने ये गलत साबित करी हैं। चलो कुछ एक तो आपने कई बात अच्छी बात कही कि चलो सड़क तो कम से कम मिली गई रायसेन को, और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पे हैं उनसे भी हम बात करेंगे, थोड़ा सा हमें घूमना ज़रूर पड़ेगा इसके लिए, लेकिन हम लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार रायसेन के लिए जो कहा गया है ये कितना सही कहा है। चलिए काम धंधे की जहाँ तक बात आती है, रोजगार की जहाँ तक बात आती है, तो क्या लगता है भैया ये बताएं रायसेन में उद्योग धंधे हैं यहाँ पे, फैक्ट्री वगैरह कोई बड़ी? नहीं कुछ नहीं है, काम धंधा व्यापार बड़ा सब काम बंद है, नहीं है, ऐसे ही चल रहा है? हाँ सब वैसे ही, लोकल ही है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब ऐसा। चुनाव में जो इतने वादे किए जाते हैं उनमें से कुछ पूरे होते हैं, कोई भी एक पूरा हुआ आपको याद हो ऐसे? राशन कुछ नहीं है ऐसा, कोई मार्केटिंग कुछ नहीं है, मतलब सब ऐसे ही है, मतलब यही चले जा रहा है धंधे पानी, कुछ नहीं है मार्केट। आप भी रायसेन के हैं जी? आप रायसेन के हैं? नहीं राशन के नहीं, आगे ये तो रायसेन के नहीं है, लेकिन हाँ आप कुछ बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जहाँ पर रायसेन में कोई फैक्ट्री हो, कुछ बड़ा धंधा हो, कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, नहीं। अच्छा। सब बेकार है, मतलब यहाँ पे मार्केट में सब कोई मतलब वो नहीं है, मतलब रेलवे लाइन की बहुत मांग की जाती है। हाँ बहुत है लेकिन यहाँ पे है नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आपको बता दें हम कि रेलवे लाइन के लिए जो बात कर रहे हैं, हम इसलिए बार बार इस पर जिक्र कर रहे हैं क्योंकि रेलवे लाइन को लेकर के यहाँ पे सर्वे हो चुका है, ऐसा नहीं है कि रेलवे लाइन को लेकर सर्वे नहीं हुआ हो, रेलवे लाइन को लेकर के रायसेन में बकायदा सर्वे हो चुका है। इससे क्या है कि यहाँ से लेके भोपाल की हो या फिर यहाँ से लेके विदिशा, इन जगहों पर अगर रेलवे लाइन का जो सर्वे हुआ है इस पर अगर रेलवे लाइन बनती है तो रायसेन के लोगों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ से ट्रेन पकड़ने के लिए उन्हें या तो मंडीदीप जाना पड़ता है, अब्दुल्लागंज जाना पड़ता है या फिर भोपाल जाना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर इस रूट की बात करें तो यहाँ पे उन्हें विदिशा तक जाना पड़ता है अगर उन्हें ट्रेन का सफ़र करना है देश के अलग अलग शहरों में जाने के लिए, दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर नागपुर हो। तो ऐसे में इन लोगों का कहना है कि अगर रेल की सेवा यहाँ पे बहाल हो जाती है, रेलवे लाइन यहाँ आ जाती है रायसेन में, तो उससे काफ़ी ज़्यादा सहूलियत इन लोगों को होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे कि इतनी सारी हर बार जब चुनाव आते हैं तो कई तरीके के वादे किए जाते हैं लेकिन वो वादे पूरे नहीं होते हैं। रायसेन जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एक ग्रामीण इलाका पड़ता है, आसपास खेत ज़रूर हैं लेकिन उद्योग धंधे जो हैं सांची विधानसभा क्षेत्र में वो ना के बराबर है। तो इस पूरी रिपोर्ट में हमने आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की है रायसेन की, सांची विधानसभा की, क्योंकि सांची विधानसभा जो पड़ती है वो सांची के जो बौद्ध स्तूप है उसके नाम पर है और ये जो विधानसभा है पर्यटन की असीम संभावनाओं को लेकर के ये विधानसभा पूरी है। लेकिन सवाल यही उठता है कि संभावनाएं तो पर्यटन की खूब रहती है, संभावना विकास की खूब रहती है, चुनाव में वादे भी खूब किए जाते हैं लेकिन इन वादों पर अमल हो नहीं पाता और अगला चुनाव आ जाता है। कैमरामैन निशाद खान के साथ दवीश पाल सिंह, रायसेन। डन, मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।